इतनी देर में ना एक्सीडेंट हो गया स्कूटी को तो कुछ नहीं हुआ पर बंदों के लग गई। सो हे गाइस वेलकम टू माय एपिसोड एंड मेक श्योर आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांत। आप लोगों को तो पता है मकर संक्रांत में क्या होता है, पतंग उड़ाते हैं, बट दिल्ली में ऐसा होता ही नहीं है। मैंने ना तारक मेहता में देखा था, तारक मेहता में उड़ाते हो पतंग, अहमदाबाद गुजरात महाराष्ट्र की साइड पतंग उड़ाते हैं। अगर हमारे एरिया में पतंग उड़ाते ना तो मैं भी पतंग उड़ाता सच्ची, बट कोई बात नहीं, फिर भी आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांत। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में ना मैं अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल चला गया था, तो मैं उस टाइम पे मैं बाल नहीं कटवा पाया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो फिलहाल अभी मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। और गाइस आज का हमारा प्लान था संडे के दिन कि हम लोग ना फैमिली के साथ आज ना गेम खेलेंगे, बहुत अच्छा गेम, बट विपिन को ना अर्जेंट ना बाहर जाना पड़ रहा है तो विपिन तो चला गया है, तो कोई बात नहीं नेक्स्ट संडे को खेल पाएंगे क्योंकि ना पूरी फैमिली ना एक ही दिन छुट्टी पे होता है वो संडे को, और फिर संडे को भी ना बाहर चले जाता है ना तो बुरा भी लगता है, बट कोई बात नहीं ना अर्जेंट था विपिन को, बट कोई बात नहीं। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, साइड से कटवाने थोड़े बहुत और फिर मस्त रेडियो के, आज मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, फिर मैं थोड़ा बाहर घूमने जाऊंगा दोस्तों के साथ। और गाइस हमारी गली के बाहर ना काम चल रहा है और ये देखो पूरी गली बंद पड़ी है, सामने से जाना पड़ेगा मेरे को। फाइनली गाइस बाल कटवा लिया और बाल कटवाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा हूँ और फटाफट जाते हैं घर, हेयर वॉश कर लेते हैं, नहाते हैं और फिर मस्त निकलते हैं। तो गाइस मस्त नहा के रेडी हो गया और अभी दिन के 2 बज रहे हैं और अब चलते थोड़ा बाहर घूमने। मेरा एक दोस्त आ रहा है अमित, तो मैं और अमित जाएंगे, अभी दिन के 2 बज रहे हैं और बाहर ना इतनी अच्छी धूप निकल रही है ना, तो फटाफट चलते हैं बाहर घूमने, वो मेरा वेट कर रहा है बाहर। और अपने कांगड़ा व्लॉग्स को भी बंद कर देते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए पेट्रोल पंप पे, अमित ये रहा और फटाफट बाइक में तेल डलवाते हैं और फिर चलते थोड़ा बाहर घूमने। और भाई धूप देखो कितनी प्यारी है। तो गाइस अभी हम लोग रुके थे चाय और समोसे लेने के लिए और भाई इतनी देर में ना एक्सीडेंट हो गया, अब मतलब बाइक खड़ी हुई थी और भाई पीछे से आके स्कूटी वाले ने ठोक दिया और भाई बंदों के लग गई है। तो गाइस अभी अमित पूछने गया कि भाई कितनी चोट लगी है, स्कूटी को तो कुछ नहीं हुआ पर बंदों के लग गई, अभी अमित उनको पानी पिला रहा है यार। हम लोगों ने चाय समोसे लिए ही थे पर इतनी देर में भाई एक्सीडेंट हो गया यार, बुरा लग रहा है। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग आ गए जमुना के पास, मस्त धूप में चाय पीते हैं और समोसे और पकोड़े भी लेकर आए। और गाइस अमित ने ना भाई उन बंदों के ना चोट लगवा दिया और उनके ज्यादा लग गई है भाई, सही बताऊं ना मेरी 1% गलती नहीं थी। हाँ मतलब उन्होंने ना वो इतनी तेज स्कूटी चला रहे भाई, स्कूटी के टायर भी छोटे होते और वो भाई इतनी तेज स्कूटी चला रहे, सीधा हमारी बाइक में आकर भट देने से लगी और भाई उनके ना पूरा हाथ छिल गया। मेरे कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ भाई, इसको कुछ नहीं हुआ, तो आराम से चाय पी रहा है, कह रहा कोई बात नहीं जल्दी चलो चाय पीते हैं, बट कोई बात नहीं यार उनके लग गई है। हमने उनको बोला कि भाई डॉक्टर के चले जाओ, ज्यादा नहीं लगी है पर लग गई है हाथ पे भाई, ठंडे में ना ज्यादा लगती है तो इसी बात का बुरा लग रहा है। फिलहाल अभी हम लोगों ने सब में चाय डाल ली है, चाय पियो भाई, मेरी नहीं डाली भाई, ये कब डाली, ओ भाई देखो मेरी चाय नहीं डाली। गाइस हम लोग ना 3 है और गलती से हम लोग ना 4 गिलास लेकर आ गए। तो गाइस अब खाते हैं चाय समोसे, तो गाइस अब खा रहे पकोड़े। और गाइस तुम ये देखो यहाँ पर खेती के लिए ना इन सब के ऊपर ना कपड़ा सा लगा दिया है, शायद इसे ना ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, बाकी मेरे को ज्यादा नॉलेज तो है नहीं। और ये दूर दूर तक ना हर जगह कपड़े कपड़े लगा दिए ताकि खेती कर सके अच्छे से, और यहाँ पर ना पूरा दूर तक भाई खेती खेत है, खेती खेत है, और यहाँ पर हमारी जमुना। और गाइस सारा कूड़ा ना हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है क्योंकि हम लोग ये सारा कूड़ा यहाँ नहीं फेंकेंगे भाई, यहाँ पर पहले से कूड़ा है तो बाहर जाके फेंकेंगे साइड में कूड़े के बाल्टी में, तो कूड़ा लेके भी जा रहे हैं हम लोग। तो ठीक है गाइस हम लोगों ने चाय समोसे भी खा लिया मस्त यहाँ पे और अब चलते हैं घर, और हम लोगों ने कूड़ा भी साथ में ले लिया है और अब चलते हैं घर। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और विपिन भी आ गया और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया हम चारों बहन भाई ने कि हम लोग अभी चूचू वाला गेम खेलेंगे। ये बस तो गाइस हमारे पास ना टोटली 6 हैं और हमारे 4, एक बंदा क्या होगा आंख में पट्टी बांधेगा और बेल्ट ले लेगा, बेल्ट है ये वाली बेल्ट, मतलब ज्यादा तेज नहीं लगेगी, हम लोग देख कर आया और ये बेल्ट से आंख में पट्टी बांध के, और हम लोग एक एक ना ये टोटल 6 हैं तो हर कोई बंदा ना हर कोई दो दो बांध लेगा अपने पैर पे टेप से चिपका लेगा, और फिर ना हम लोग ना चू चू की आवाज करेंगे और जिसके आंख में पट्टी बांधेगी ना उसके हाथ में बेल्ट होगी और फिर वो मारेगा, फिर ऐसे करके मारेगा, कसके मारेगा, अपना पूरा बदला निकाल लेगा अब तक का। सबसे पहले डाइन देगा विपिन, मतलब विपिन मारेगा सबसे पहले, फिर एक एक करके ना सबकी बारी आएगी और हम लोग मस्त रेडी। हम लोग ना काफी दिनों से सोचे थे गेम खेलने के लिए, और ये चूचू ना हमारे पास ना कब से है, ये जब तुम दशहरा में गए थे, मेले में लेकर आए थे, हाँ दशहरा में गए थे निक्की और नेहा मम्मी के साथ, उस टाइम मैं हरियाणा में, तो भाई जब से है तो आज हम लोगों ने सोचा आज इसका गेम खेल ही लेते हैं।
तो फटाफट इसको पैर पे अपने लगा देते हैं टेप से। तो गाइस अभी हम लोग ये चूचू अपने पैर पे चिपका रहे हैं टेप से, दो दो चिपकाएंगे, एक ये कलर का और एक ये कलर का। और नेहा ने तो चिपका भी लिया, एक बार चेक करियो आवाज आ रही है। तो गाइस हम लोगों ने अपने दोनों पैर पे बांध लिए और अब देखते हैं मेरे पैर में आवाज आ रही है कि नहीं। अरे आ रही है, ऐसा लग रहा है छोटा बच्चा रो रहा है। विपिन एक्साइटेड है मारने के लिए। विपिन के नैन नक्शन ठीक नहीं लग रहे हम लोगों को। तो मैंने पहली बार लिया है तो मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। नेहा ने, निक्की ने और मैंने अपने पैर पे चूचू बांध लिया है और विपिन ने पकड़ लिया हाथ में बेल्ट। एक बार पास में दिखा ना, दिखा। और गाइस इस गेम के रूल होने वाले हैं, विपिन के हाथ में ना हम लोग ना स्कार्फ बांधेंगे पट्टी, और वो ना भाई पहली बात तो देखना नहीं है, ठीक है, देख के मारना नहीं है। और एक ही जगह ना खड़े नहीं होना, जिसके पैर में चूचू बंधा हुआ है ना मेरे, नेहा निक्की के, एक ही जगह खड़ा नहीं होना है, आवाज करते रहना है। और बैठ पे नहीं चढ़ना, नहीं हर जगह कर सकते हैं पर भाई देख ज्यादा नहीं मारना है, अंदर का शैतान नहीं जगाना है। तो गाइस विपिन की आंख में पट्टी बांध दी है, विपिन रेडी है? आई एम रेडी। आजा अंदर आ जाओ। तो गाइस अब नेहा मारेगी सबको, नेहा क्या कर पट्टी बांध रहे हैं। और गाइस पहले राउंड में सबसे ज्यादा पिटी निक्की, और गाइस मेरा चूचू भी खराब हो गया, इसका चूचू खराब हो गया, ये मुंह से बजा रही है देखो। मेरे जो भी पिटी लास्ट में मारी थी ना वो बहुत तेज लगी। रेडी आ जा। थोड़ी और आगे। ये किसे मार रही है, ये किसे मार रही है? बस मार दे। नीचे मार दे, और नीचे मार। राइट, थोड़ी खड़ी हो जा। राइट मार आगे, थोड़ी आगे जा। अरे पीछे, अरे यार नहीं, ले मार। तो गाइस अब अमन की बारी, उसकी पट्टी बंद गई है, और गाइस देखो हमने क्या कर दिया बेचारी बच्ची। मजा तो आ रहा है ना गेम में? अरे बहुत ज्यादा। चलो गाइस मैंने कितना खड़ी है। मेरे को ध्यान लगाने दो। कौन मिल गया? तो गाइस अब निक्की की बारी है, निक्की लास्ट है और बदला। चल पहले बाहर चल, बाद में लियो बदला। रुक जा यार, कोने देखो। देखो बैठ के इधर कहाँ फेंक रखी है। नीता पीछे। अबे शीशे को क्यों मार रही है? बस नीचे लेटा हुआ, नीचे मार। तो गाइस एक एक करके सबने अपना हाथ साफ कर लिया, पर मेरे को निक्की पे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। मेरे ये इतनी ज्यादा पिटी भी और किसी को मार भी नहीं पाई, और मारते वक्त खुद इसके हाथ पे लग गई, बट मेरे को तो बहुत मजा आया। मैं सबसे ज्यादा पिटा निक्की के बाद, मैं सबसे ज्यादा पिटा, और फिर मैंने भी बदला ले लिया अच्छे से। तो मस्त मजा आया ना, बहुत ज्यादा मजा बहुत आया चूचू वाले गेम में। और गाइस रूम खाली करने के लिए ना हम लोगों ने आधे से ज्यादा सामान देखो कहाँ रख रखा है। रिंग लाइट और कुर्सी हम लोगों ने बाथरूम में रख रखी है। गाइस हम लोगों ने चूचू गेम तो खेल लिया, पर अब हमारे चूचू की हालत देखो, सबकी हालत देखो भाई। निक्की ने तो इनकी ऐसी की तैसी कर दी,
अब मेरे को इन पे तरस आ रहा है बेचारों पे, इसकी चूची आवाज नहीं निकल रही। तो गाइस अभी तुम्हारा भाई बना रहा है चाय, गरम गरम चाय, और अब आप ये सोच रहे हो कि मैं चाय क्यों बना रहा हूँ, अपने पीने के लिए नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अभी हमारे घर में एक गेस्ट मामा और चाचा आ रखे है गाँव से, तो मम्मी नीचे बात कर रहे हैं, मम्मी ने बोला फटाफट चाय बना के नीचे लेकर आ। फाइनली गाइस चाय बन गई है, और गाइस तुम ये देखो मेहमानों के लिए नमकीन लेकर आए थे, निक्की खुद खा रही है। और गाइस ये मैं सोच रहा हम लोगों ने मेहमानों के लिए कुछ रखा नहीं है, हम लोगों ने अलग से निकाल लिया। तो गाइस मामा जी तो चले गए, पर हमारे लिए खुशखबरी छोड़ के गए, शादी का कार्ड, अगले महीने शादी है। तो मम्मी चलेंगे शादी में, और क्या, अगले महीने की 11 तारीख को शादी है, तो मस्त चलेंगे। जहाँ आप लोगों ने, जब मैं हरियाणा गया था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग मामा के घर गए थे एक दिन के लिए, और गीता में आज हमने पढ़ा किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ठीक है गाइस, ये फिलहाल करते हैं ब्लॉग एंड, सब सो गए, लाइट वाइट सब बंद हो गई है, और मैंने भी अपने ब्लॉग की एडिटिंग कम्प्लीट कर ली, मैं भी अभी सो जाऊंगा। और गाइस कल सुबह मेरे को जल्दी उठना है 7-8 बजे करीब, क्योंकि कल मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ उसके गाँव, मतलब एक ही दिन के लिए, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। और गाइस आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, जो आज हम लोगों ने गेम खेला चूचू वाला गेम, सबने मस्त बहुत ज्यादा मजा आया, तो कमेंट करके बताना हमारा चूचू वाला गेम कैसा लगा। तो ठीक है, वेल करते हैं व्लॉग एंड, आई होप आज व्लॉग को पसंद आएगा, फिर ज्यादा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। भाई सुनो, स्टार्टअप चैलेंज कर ले अमन।